आदर्शों के धरातल पर चलने वाली संस्कारवान संगठित भाजपा में विधानसभा चुनाव के बाद धार में कांग्रेस की तर्ज पर शोध प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी है और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद धार के विधायक वर्मा खेमे और भाजपा से निष्कासित पूर्व जिला अध्यक्ष राजू यादव खेमे की आमने सामने की लड़ाई कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर धार से भाजपा की ओर से राजू यादव की भी दावेदारी चर्चाओं में थी और जानकार उनका टिकट तय मान रहे थे। ऐसे में विक्रम वर्मा ने चौथी बार भी धार विधानसभा से अपनी पत्नी तीन बार की विधायक नीना वर्मा को टिकट दिलाने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद धार विधानसभा चुनाव में भाजपा के चयनित प्रत्याशी का विरोध करते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने मोर्चा खोल दिया और आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में धार भाजपा से रुष्ट वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की फौज जुड़ गई। ऐसे में शुरू में वर्मा गुट लगातार कयास प्रयास में रहा कि दबाव के चलते राजू यादव अपना फार्म उठा लेंगे और सरेंडर हो जाएंगे, परंतु कार्यकर्ताओं वरिष्ठ बागी नेताओं की हौसला अफजाई से आत्मविश्वास से भरे राजू यादव ने फार्म नहीं उठाया और वर्मा खेमे के सारे कयासों को धरा का धरा साबित कर दिया। इसके बाद चुनावी प्रचार के दौर में वर्मा गुट राजू यादव की तुलना पूर्व के बागियों की तरह चंद वोटों से अंत की चर्चा के दावे में जुट गए। इधर कांग्रेस से चौथी बार चुनाव लड़ रहा गौतम परिवार भी बागी राजीव यादव और विक्रम वर्मा खेमे की लड़ाई में अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चलने लगा। ऐसे में लाडली बहना के वोटों के सहारे चुनाव परिणाम भाजपा की नीना वर्मा के पक्ष में गया और कांग्रेस के गौतम सहित राजीव यादव के मंसूबों पर पानी फिर गया। पर हार के बावजूद राजीव यादव ने विधानसभा चुनाव में भारी समर्थन हासिल कर वर्मा खेमे के दावों को समेट कर रख दिया। इधर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। इधर विक्रम वर्मा समर्थकों को भाभी के मंत्री बनने की उम्मीदें बढ़ गई। ऐसे में धार में राजू यादव के पक्ष में चुनाव में काम करने वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदों सहित कई लोगों को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। लोगों को लगा कि अब राजू यादव भाजपा में इतिहास बनकर रह जाएंगे और वर्मा दंपत्ति उनके उत्साही समर्थक उन्हें कभी भी भाजपा की एंट्री नहीं लेने देंगे। साथ ही धार नगर पालिका में नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सपने संजाए चुनाव में जी जान लगाने वाले पार्टी के पदाधिकारियों में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। अब इतना सब गुजर जाने के बाद राजू यादव ने भी हार न मानते लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया और राजू यादव समर्थक नगर पालिका द्वारा विक्रम वर्मा समर्थक चार पार्षदों को PIC से बाहर कर दिया गया और नए सदस्यों को जगह दे दी, जिससे धार की भाजपा की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। इधर दोनों ही गुटों के वर्चस्व की लड़ाई में धार की नगर पालिका का कामकाज ठप पड़ा है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। अब भाजपा के वर्मा खेमे में लोग भाभी के मंत्री पद को लेकर बेताब है और पद मिलते ही राजू यादव और उनके समर्थकों को मिटाने को लेकर अंदरूनी बारूद सुलगाए बैठे हैं। इधर राजू यादव भी किसी संजीवनी के सहारे पुनः अपनी ताकत भाजपा की राजनीति धार में दिखा रहे हैं, जो वर्मा समर्थकों को हजम नहीं हो रही। वहीं मंत्री पद को प्रयासरत वर्मा दंपत्ति की चुनौती कम नहीं है, क्योंकि धार लोकसभा सीट आदिवासी है और कांग्रेस से उमंग सिंघा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद धार से आदिवासी मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा लाल कृष्ण अडवाणी ग्रुप से आते हैं। ऐसे में भाजपा की केंद्र की राजनीति फिलहाल अडवाणी विरोधी मानी जा रही है। अब धार विधानसभा से मंत्री बनने को लेकर कई सारे समीकरण लोगों के जहन में है। भाजपा के वर्मा और यादव खेमे की टक्कर धार की राजनीति में कौन सा रंग देती है और वर्षों से प्रतीक्षारत धार को नीना वर्मा के रूप में प्रदेश कैबिनेट मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।